बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यूनिट फर्स्ट कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज हमारे पास 1.4 है। इसके पहले जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सेम है, मेथड सेम है, सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अंदर एक स्टेप जब हम करेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही वैल्यू बन जाएगी, वैसे ही इक्वेशन बन जाएगी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 की है और क्वेश्चन नंबर 2 की है। तो पहले आप लोग स्केयर रूट वाली वैल्यू एक तरफ कर लें और उसके जो बगैर है वो आप लोग दूसरी तरफ ले जाए। ये माइनस का 3 है, इसको मैं ये लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ, तो उधर थी ये माइनस की, जब दूसरी साइड पे चली गई तो ये बन गई, ये प्लस की बन गई। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो भी ऐसे लिखा है। अब स्केयर रूट वाले वैल्यू चाहे पहले आ जाए या बाद में आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर आप 2 देख ले तो वो भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने 1 और 2 की तरह कर लिया, और अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो वो भी एक वैल्यू जो दूसरी तरफ एक्स्ट्रा है तो उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। हल करने के लिए पहले हम इसका स्केयर रूट खत्म करेंगे, और स्केयर रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केयरिंग करना पड़ेगा, हमें मुरब्बा लेना पड़ेगा। 4x प्लस 3 का स्केयर, 13x प्लस 14 के स्केयर रूट का स्केयर, क्योंकि ये स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और दो वैल्यूज का जब हम स्केयर खोलते हैं तो हम जानते हैं उसे, हम पहली दफा अगर हम ओपन कर रहे हैं तो हम उसके एक दो जो स्टेप होते हैं वो कर लेते हैं ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। ये फर्स्ट का स्केयर प्लस 3 सेकंड का स्केयर, दरमियान में अगर प्लस है तो प्लस 2 फार्मूले वाला, इनटू फर्स्ट 4x और इनटू सेकंड 3 है। तो ये हम दो वैल्यू का स्केयर खोल रहे हैं, फर्स्ट का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला इनटू फर्स्ट और इनटू सेकंड, और आगे वाला जो अगर आप देखेंगे तो स्केयर उसका खत्म और बाकी वैल्यू रह जाएगी 13x और प्लस 14। 4 का स्केयर खोला तो 16x स्केयर, 3 का स्केयर खोला तो 9, 2 4 8 8 3 24x और इक्वल है 13x और प्लस 14। अब हम जानते हैं इसको हम एक साइड पर लिख लेंगे ताकि ये पूरी इक्वेशन बन ले। 16x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 24x, ये दूसरी तरफ 13 प्लस का है, लेफ्ट साइड पर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, 14 प्लस का है, लेफ्ट साइड पर आकर किसका हो जाएगा माइनस का। सिंप्लीफाई करते हैं, 16x स्क्वायर 13x में से 24 चले गए, बाकी क्या रह जाएगा 11x, 9 में से 14 चले गए, बाकी क्या रह जाएगा माइनस का 5। दे दी, अब जरा 1.1 को दोबारा याद कर लो, फैक्टर बना लो, कंपलीटिंग स्केयर कर लो, या आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले तो ज्यादा इजी। तो इसी में लिया जाता है कि इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। देखें जी, हम 16x स्क्वायर फैक्टर क्या बनेगा, 16 का x और 5x बनेगा, क्योंकि 16 में से जब 5 निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा 11x, और हमें 11x इधर में हमें चाहिए। 16 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 80, और मल्टीप्लाई करने से भी 80 पूरा आ रहा है और प्लस मनफी करने से भी 11 पूरा आ रहा है। ले जी, ये वही मेथड जो पीछे था हमारा, सिर्फ यहाँ पर ये स्केयरिंग लिया, उसको सिंप्लीफाई किया, और करने के बाद 1.2 1.1 उस एक्सरसाइज के मुताबिक हम हल करेंगे। वहाँ पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो देखें ये वही क्वेश्चन जो हम दोबारा कर रहे हैं, दोनों में कॉमन 16x
अंदर x प्लस वन बचा, मनफी फाइव का मान अंदर क्या बचा, x प्लस वन। तो हमें पता है ये दोनों में ये वाली वैल्यू यहां पर सेम आती है, तो जो सेम आएगी पहले उसे लिख लेंगे, x प्लस वन, बाकी बचा क्या 16 एक्स मनफी फाइव इट्स इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट भी जीरो के इक्वल और x प्लस वन इट्स इक्वल टू जीरो, 16 एक्स मनफी फाइव इट्स इक्वल टू जीरो, प्लस का वन है दूसरी तरफ जाकर है, माइनस का 16x माइनस का 5 है दूसरी तरफ जाकर प्लस का 16 मल्टीप्लाई का है और दूसरी तरफ जाकर किसका हो गया डिवाइड का। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, एक वैल्यू मनफी 1 और दूसरी वैल्यू 5 बाय 16। जी समझ आ गई है। तो इसमें से श्योर शॉट लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, चाहे ये पहला दे दे, चाहे ये तीसरा दे दे, चाहे चौथा दे दे, मेथड एक जैसा है, प्रैक्टिस आप पर डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आप लोग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। जी समझ आ गई है, हल कर दें।